मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने शुक्रवार को जनपद के सदर तहसील के बाढ़ प्रभावित ग्राम सिमरा का नाव से निरीक्षण किया तथा गांव की स्थिति का जायजा लिया। इस अवसर पर मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि गांव वालों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए तथा नियमित रूप से क्लोरीन की टैबलेट का भी वितरण किया जाए। उन्होंने जल निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि गांव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना बनाई जाए। मंडलायुक्त ने तहसीलदार सदर को निर्देशित किया कि गांव की नियमित रूप से निगरानी की जाए तथा स्वास्थ्य विभाग नियमित रूप से गांव के लोगों के स्वास्थ्य आदि की जांच करें। इस अवसर पर विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। पानी की समस्या सब जगह मिल जाएगा, ये पानी वाली ग्रीन हो जाएंगे, अभी लेवल डाउन हो रहे हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम है। बरसात होने से नहीं होता नहीं, बुरी तरह से रिवर हमारी खाली जैसे वेट खुल गए, इसके कभी ड्रेन आउट होने लगा पानी। ये लगा इधर है, पांच पॉइंट पे है, फ्लिपर गेट्स लगे हुए हैं। कहाँ इसको खोलते हैं? वो अपने ऑटोमेटिक खुलते हैं प्रेशर, वो तो नदी का प्रेशर कम होगा, रिवर में रिवर साइड में जाता पानी इस साइड जी। राप्ती डाउन होगी तो राप्ती के नीचे के रेगुलेटर जो चोरमा वगैरह के हैं और दो तीन पॉइंट के, वो सब खुलेंगे तो अपने आप ड्रेन करने लगेंगे।